देखो आज मैं बताऊंगा तुम लोगों को, मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें क्या बताया था कि ये ड्राइव में मैनुअल में कैसे इसको चलाते हैं, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए। लेकिन आज मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि किस तरह से ड्राइव में मैं रिमोट ऑपरेटेड कर सकता हूँ। मतलब ये जो मेरे जो ये कीपैड, ये जो टर्मिनल ब्लॉक है, ये जो टर्मिनल ब्लॉक है ना, इसमें मैं किस तरह से इनपुट दे करके मैं बाहर से ड्राइव भी चला सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं कनेक्शन किस तरह करूँगा, यहाँ कनेक्शन किस तरह करूँगा। ये मेरा 9 नंबर, ये पॉजिटिव है, ठीक है भाई, 9 नंबर ये पॉजिटिव है, ये मेरा 5 और 6 ये इनपुट्स हैं, और सेम ये भी इनपुट्स हैं, जो इस कलर में वो सारे इनपुट्स हैं। ठीक है, तो और ये भी सेम मेरा पॉजिटिव है। तो इसको मैं कनेक्शन कैसे करूँगा, यहाँ से एक वायर लाया, मैं वायर को लिया, ये मैंने इसके थ्रू निकाला एनो एलिमेंट के थ्रू, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया। ठीक है, ये मेरा स्टॉप कमांड हो गया। सेम मैंने एक एनो यूज़ किया और उसको भी यहाँ से लेके आया, ये वायर किया और यहाँ के इनपुट से निकाल करके मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, यहाँ दे दिया ये ग्रीन कलर का वायर, ये यहाँ दे दिया, तो ये मेरा एक स्टार्ट स्टॉप हो गया। अब मेरे को करनी है प्रोग्रामिंग। सर 5 नंबर का अपना स्टार्ट का है और 6 नंबर का स्टॉप का है, तो अब मैं इसकी करनी है मेरे को प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, तो प्रोग्राम में हम आते हैं, पहले तो मोटर का हम डिटेल लेते हैं। तो मोटर का डिटेल हम डालेंगे सबसे पहले कोई कमीशनिंग में जाएंगे। 10 नंबर, 1 किया इसको, एंटर किया, आगे गए, फिर वोल्टेज डाला मैंने 415, उसके बाद मेरा 1.8 एम्पियर है, उसके बाद मेरा 307 जो मेरा पैरामीटर है कितनी किलोवाट का है, उसके बाद मेरा 8 नंबर पैरामीटर है 308 cos φ, 310 मेरा पैरामीटर है हर्ट्स कितना है इसका, 311 पैरामीटर है मेरा इसका RPM कितना है। फिर मैं डायरेक्ट गया, अब यहाँ जो 700 है मेरा, वहाँ मैं क्या करूँगा, एक मेरा है कीपैड का, लेकिन यहाँ मैं 2 करूँगा। अब क्या ये हो गया रिमोट। ठीक है, आगे बढ़ूँगा, 1000 में जाऊँगा, 1000 में ये क्या है, एक कीपैड, मैं इसको कीपैड ही रहने दूंगा क्योंकि मैं ऑपरेट अभी कीपैड से करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने 80 में गया, इस ये क्या हुआ 80 में 0, फिर 0 फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी रहेगी, और 82 मेरी हायर फ्रिक्वेंसी। ये मेरा रैम अप टाइम है, थोड़ा और कम कर लेता हूँ मैं इसको, मैं 5 कर लेता हूँ। ठीक है, आगे गया, 21 रैम डाउन टाइम, मतलब जब मोटर मेरी बंद करेंगे तो उस समय जो डाउन होगी तो उसकी वो है। ठीक है, उसको मैं और कम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने एंटर किया, अब मेरा ये कितना है 3, ये मेरा पैरामीटर सेटिंग के लिए रहता है, लास्ट जब मैं एग्ज़िट करूँगा, एग्ज़िट करने के बाद मैं सारा प्रोग्राम इसमें डाउनलोड होगा, तो मैंने इसको एंटर किया। अब देखो बिजी दिखाएगा कब तक, जब तक ये प्रोग्राम इसमें लोड ना हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा बिजी दिखाएगा। अब देखो मेरा हो गया रेडी, मैंने FN दबाया, फिर P दबाया, मेरा आ गया उस मोड में। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा ड्राइव, देखो स्टार्ट हो गई, लेकिन स्टार्ट तो हो गई मेरी ड्राइव इससे, लेकिन मैंने एक चीज़ क्या डाली थी इसमें कि मेरा की पॉइंट, मतलब जो 1000 मेरा पैरामीटर है, 1000 मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है मेरा, है ना, 1000 क्या है, रेफरेंस। तो रेफरेंस मैंने एक डाला था, एक मतलब क्या है, क्या एक मतलब कि मेरा कीपैड, तो कीपैड मेरे यूज करूंगा तभी ये बढ़ेगी। अब देखो मोटर पे एक माइनस साइन आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, मोटर उल्टी घूम रही है, कुछ नहीं करने का, इसको स्टॉप करो, हाँ स्टॉप करना पड़ेगा, सॉरी इससे ही स्टॉप, मैंने कीपैड किया है ना, तो इसी से स्टॉप है, इसी से स्टार्ट है। ठीक है, अभी मैं इसको रिवर्स करूँगा, यहाँ से ये गया साइन, अब देखो स्टार्ट करूँगा, साइन नहीं आना चाहिए, आ रहा है।
अभी तक इसको चलाएंगे अपन कैसे। यहाँ मैंने स्टार्ट दबाया, इंक्रीज हुई, चूँकि मैंने इसमें डाला क्या है, एक नंबर डाला है 1000 में, इसके लिए फ्रिक्वेंसी के लिए। तो यहाँ से जब बढ़ाऊँगा तो फ्रिक्वेंसी मेरी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ तो होगी फ्रिक्वेंसी, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये स्टॉप होगा। तो इसमें बेसिक हमने पैरामीटर क्या क्या डाले हैं वो देखो एक बार। मैंने एक तो पैरामीटर डाला है जो P0010 है उसको मैंने 1 किया है क्विक कमीशनिंग के लिए। एक पैरामीटर P003 है उसको मैंने 2 किया है, ये मेरे एक्सपर्ट में जाने के लिए, ताकि मेरे को सारे पैरामीटर दिखाई दें, ठीक है। और थर्ड मैंने इसमें यूज़ किया, एक किया है 304 P305 P307 P308 P310 10 हो गया 10 और P311। ये पैरामीटर मैंने मोटर के लिए यूज़ किया, जो मोटर की ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। और एक मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, जो 700 था उसको मैंने क्या कर दिया 2, 1000 को क्या किया है 1, क्योंकि अभी मेरे को क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, जो मोटर को रिमोट से चलाना है, लेकिन फ्रिक्वेंसी मेरे को कीपैड से कंट्रोल करनी है, ठीक है। और ये ले जाके P1080 में क्या डालना है, ज़ीरो फ्रिक्वेंसी, जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है मेरी। P1082 में क्या डालना है, 50 Hz, जो मेरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जाएगी इस कीपैड के द्वारा। और मेरा P1121 ये क्या है, रैम अप टाइम, जब मोटर स्टार्ट होगी तो क्या होगा, रैम अप होगा। P1122 इसमें क्या है, रैम अप और रैम 20 और 21 सॉरी, ये क्या है, रैम डाउन टाइम। उसके बाद क्या आएगा मेरा लास्ट में P3009, इसको क्या करूँगा मैं 2, मतलब सारे इनपुट रीसेट हो जाएंगे करके मैं एग्जिट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा इस तरह से, ये मैंने देखो स्टार्ट किया, ड्राइव मोटर चल रही है देखो। उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसको कीपैड से इंक्रीज करूँगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से देखो मैं चला सकता हूँ, अगर मैं कीपैड और इनपुट से चलाना चाहता हूँ, ठीक है।